गोवर्धन के स्वास्थ्य केंद्र पर प्रसव पीड़िता के परिजनों से सुविधा शुल्क मांगने का मामला सामने आया है। सुविधा शुल्क को लेकर पीड़िता के परिजनों ने स्वास्थ्य केंद्र पर जमकर हंगामा काटा। ये हंगामे की तस्वीरें मथुरा के गोवर्धन स्वास्थ्य केंद्र की हैं, जहां स्वास्थ्य केंद्र की एक नर्स पर डिलीवरी के दौरान प्रसव से पीड़ित महिला के परिजनों से सुविधा शुल्क मांगने का आरोप लगाकर जमकर हंगामा काटा है। बचगांव से एक महिला को प्रसव पीड़ा होने पर गोवर्धन के स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया गया था। महिला की नॉर्मल डिलीवरी भी हो गई थी। वहीं स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत नर्स सलोमी एस मसीह पर 1100 रुपए सुविधा शुल्क के रूप में मांगने का आरोप प्रसव पीड़िता के परिजनों ने लगाया। इस संदर्भ में नर्स सलोमी ने पुलिस के सामने प्रसव पीड़िता के परिजनों को धमकाते हुए कहा कि मैं जिला अस्पताल में नौकरी करके आई हूं, समझ के चलिए भागिए यहां से। वो तो कुछ भी बोलेगी, तू कुछ भी सिखा रहा हो तेरे एरिया की आशा। नहीं नहीं सिखा रहा है, किसी ने कुछ नहीं मेरे। चलो कोई सत्य छोड़ो, यहां नहीं तेरा बच्चा मैंने कर दिया इसलिए। तो हमने डॉक्टर से बात कर दी है। नहीं तेरा बच्चा कर दिया इसलिए। जा अब तो बिल्कुल ही नहीं करूंगी। हैं ड्यूटी करने के लिए ले लो, बिल्कुल ही नहीं करूंगा। अरे करेंगे जब ड्यूटी है। मैंने कहा नहीं है, सबके सामने करेंगे, नहीं करूंगा। वहीं पीड़िता के परिजनों ने नर्स के खिलाफ गोवर्धन थाने में लिखित तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। बोल दिया गया कि पैसे अगर दोगे तो डांके लगेंगे। किसकी डिलीवरी कराई आपने? अभी छोटे भाई की वाइफ थी। अच्छा क्या हुआ? डिलीवरी हुई नॉर्मल। अच्छा टांके नहीं लगाए, दो का जो टांके लगते हैं। बोल दिया गया पहले दक्षिणा दो, पहले दक्षिणा दो तभी टांके लग पाएंगे। किस चीज़ की दक्षिणा? 40 में डिलीवरी हुई 1 बजे में। किस चीज़ की दक्षिणा? डिलीवरी के पैसे चाहिए। कितने पैसे मांग रहे थे? 1100 रुपये। और ना देने पे? ना देने पे तो रेफर कर दिया गया मथुरा के लिए। दो तीन घंटा हुआ? 3 घंटा हो गए। आपने आपने डॉक्टरों से बात की? हाँ डॉक्टरों से बात की, तो यहाँ और बाकी लोगों से बात की, तो उन्होंने भी मेरी एक शिकायत नहीं सुनी, बस रेफर के नाम पर रेफर ही कर दिया। मरीज आपका वहाँ वही है अंदर, और 3 घंटे से कोई देखभाल नहीं, 3 घंटे से डिलीवरी हुई और उसी पे ना बेड से ना कुछ ना स्टेशन पे, उसी जगह पे 3 घंटे। कब से ड्यूटी कर रही है भैया? मैं अभी 15 दिन से आई हूँ। मैडम इनका डिलीवरी के दौरान आरोप है कि आपने 1100 रुपये इनसे मांगी सुविधा शुल्क के रूप में। क्या पेशेंट को बाहर निकाला है आपने कि यहाँ इलाज नहीं होगा? मतलब ये नहीं कहा इलाज नहीं होगा, ये डॉक्टर साहब से आप बात कर लीजिए, मैंने नहीं बोला ये बात। डॉक्टर साहब से यहाँ है ही नहीं, बता रहे हैं डॉक्टर सचिन है। आपने कितने दिन से कार्यरत हैं आपने? मैं तो यहाँ अभी 15 दिन से आई हूँ। और ये 15 दिन से अभी काफी परेशान हैं लोग, और आप हर तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, सुविधा शुल्क के आरोप लगा रहे हैं आप यहाँ से। सुविधा शुल्क मैं तो 15 दिन से आया हूँ। ये आरोप क्यों लगा रहे हैं? आपकी आशा भी ये कह रही है।